दूसरा चरण एक और बताना है आपको, भट्टी खाद। अगर हम कोई सी भी फसल कर रहे हैं तो खाद डाल रहे हैं ना या बिना खाद के पका रहे हैं? हेलो, खाद डाल रहे हैं। तो खाद में हमें क्या पता है, मैं बता रहा हूँ आपको, भट्टी खाद। खाद में हम डाल रहे हैं एन पी के, कैल्शियम, मैग्नीशियम सल्फर, जिंक, आयरन, बोरान, कॉपर, कोबाल्ट, मोलिब्डेनम, ये सब कुछ हम डाल रहे हैं। खाद यही डाल रहे हैं ना, और कुछ डाल रहे हैं? यूरिया, डीएपी, पोटास, एसएसपी, यूरिया, डीएपी, पोटास कम डालते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम सल्फर वो तीसरी श्रेणी में, जो वेजिटेबल करते हैं वो थोड़ा बहुत लाते होंगे, बाकी के जनरल फार्मर नहीं लाते हैं। देसी तो गोबर तो डलता ही है। गोबर को खाद कितने लोग मानते हैं? सब मान। फिर यूरिया डीएपी क्यों डालते हो? वो तो ज्यादा पैदावार जाते हैं उसके अंदर। अभी ये बहुत बड़ा द्वंद है, ये जो मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ इसके सीरियसली अच्छे से हम जवाब निकाल करके देंगे तो हम समझ पाएंगे पौधे का भोजन क्या है। वो यूरिया खाद तो प्लांट लेने के लिए ज्यादा डालते हैं, ग्रोथ के लिए। ग्रोथ के लिए इस साल मैंने यूरिया यूज नहीं किया, तो जो मेरा बाजरा था बगैर यूरिया डाले वो बिल्कुल नहीं बढ़ा। थोड़ी देर पहले मैंने यही पूछा है कि बाजरा और नेपियर में यूरिया डालते तो आप मना कर रहे थे। नहीं, मना अभी मैंने पूछा ना कि नेपियर यूरिया डालकर होता है, बाजरा यूरिया डालकर। ये जो टोटे वाली फसल है, गन्ना, बाजरा, मक्का, नेपियर, ये जो टोटे वाली फसल है, बाम्बू, इनको नाइट्रोजन लगता है, ये बढ़वार करते हैं, सीधे चलते हैं, तो नाइट्रोजन लगता है। हम डालते हैं यूरिया, उसमें नाइट्रोजन आता है। अभी दो दो चीज़ों में फ़र्क समझो, मैं आपका जवाब समझ गया। दो चीज़ों में फ़र्क है, एक, पौधे का भोजन नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम है, हम डालते हैं यूरिया, डीएपी, पोटास, ये दोनों पृथक है, अलग अलग है, समझना छोटा सा ध्यान से। यूरिया के अंदर 46% नाइट्रोजन है। यूरिया की अगर दो बोरी लेकर आएंगे, 100 किलो यूरिया, तो उसमें 46 किलो नाइट्रोजन आएगा ना, एन 46 किलो एन आएगा, तो बाकी का जो 54 है वो क्या है? हेलो, तारवाई, ये कहाँ काम में होता है? रोड बनाने के लिए डांबर में मिलाया जाता है ये 54% जो है। अगर 100 किलो यूरिया हम लेकर आए तो 46% नाइट्रोजन है, तो पौधे को चाहिए नाइट्रोजन, जो गोबर में भी थोड़ा सा आता है, केचुआ खाद में भी थोड़ा सा आता है, यूरिया की बोरी में भी थोड़ा सा आता है। तो जो 54 किलो है, 46 तो नाइट्रोजन है, 54 किलो क्या है? यूरिया की बोरी कितने की? 45 की, और रुपये में 280 रुपये, दो बोरी 280, 280, और इसको खेत में ले जा कर के रखना पहले गोडाउन पे और खेत में ले जा के डालना, तो 20 रुपये बोरी फिर लग जाएगा ना। हाँ, 20 रुपये, टोटल 600 रुपये में हम 100 किलो यूरिया लेके गए, जिसमें मिला 46, और 600 रुपये देकर हम दुकानदार को बोल के आए 54 किलो तारपीन दे मेरे को, जो मेरे खेत को ख़राब करना है। ऐसा ही बोल रहे हैं ना, हम क्या कर रहे हैं? तो अगर हम देखने की दृष्टि को सही कर लेंगे तो समझ में आएगा। यही प्रकरण बनता है डीएपी में। डीएपी में 18, 46, 0, दो बोरी डीएपी डालेंगे 100 किलो, कितने की आती है? 1350, 2700 रुपये। ये 2700 रुपये में हमें 46 किलो फास्फोरस मिला। डीएपी के अंदर 46 किलो फास्फोरस है। ये लगता कितना है? नाइट्रोजन लगता है 50%, फास्फोरस लगता है 20%, 80% फिक्स होगा, 80% लगता नहीं फास्फोरस। हमें जब यूरिया डालते हैं तो पता चलता है कि पौधा हरा हो गया है ना, यूरिया डालते हैं तो उसकी बढ़वार दिखती है, वेजिटेटिव ग्रोथ आती है, फोटोसिंथेसिस में नाइट्रोजन काम करता है, पौधा बड़ा हो गया, हरा हो गया, ये पता चलता है ना, इसलिए हम डालते हैं बढ़वार के लिए। एसएसपी डाला, वो फसल थोड़ी सी ज़्यादा पकेगी, ये पकने के बाद पता चलता है। जब हमने डीएपी डाला तो उस समय 18% जो अमोनियम है, नाइट्रोजन, उसका तो बढ़वार दिख गया, 46% फास्फोरस दिखता नहीं। उसका कारण ये है कि फास्फोरस जो है वो लगता है 28 से 30 दिन में, लगता रहता है 90 दिन,
और लगता है मात्र 20%। हमने 46 kg डाला, लगेगा 20% फास्फोरस। अभी 46 का 20% कितना हुआ? ये बहुत मज़ेदार बात है, ये कैलकुलेशन अगर समझ लोगे तो आज ही से आपके खेत में खाद देने का खर्चा आधा या आधे से भी कम हो जाएगा। कितने एकड़ ज़मीन है आपके पास? मेरे पास 2.5 एकड़। 2.5 एकड़, 2.5 एकड़ में साल भर की बोरियां कितनी आती है? मैं कम ही डालता हूँ, वैसे 3-4 बोरी आती है DAP। 2.5 एकड़ में 4 बोरी DAP, मोटा मोटा 1.5 से 2 बोरी 1 एकड़ के लिए, 1 साल की। यूरिया अलग आता होगा? 1 एकड़ में 1 कट्टा, यानी 4 कट्टे। 4 यूरिया और 4 से 6 DAP, मोटा मोटा 1 एकड़ के लिए 3 बोरी खाद आता है पूरे 12 महीने के लिए। ये उदाहरण बता रहा हूँ, मैंने भैया सामने बैठे हैं तो इनसे प्रश्न पूछ लिया, आप सभी इससे अपने आप को रिलेट कीजिए। जितना खाद ले रहे हो उससे आज ही 50% खाद कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है अभी जो मैं कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ? गुलाब जामुन बनाना किसको अच्छा आता है? दादियों में कौन अच्छा बना लेता है पीछे बालकनी में? अभी मेरी ये थ्योरी समझकर अगर आपका खाद कम हो तो अगली बार मैं गुलाब जामुन खाऊंगा आपसे, ठीक है? क्योंकि मैं खाद कम कर रहा हूँ, अभी आपके जेब में हाथ डालने की प्रक्रिया कम करवा दूंगा आज से मैं। ये छोटा सा सूत्र है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना कि क्या मैं बतलाने जा रहा हूँ। अभी हमें पता होना चाहिए कि फास्फोरस काम क्या करता है। 20% काम करता है, 80% काम नहीं करता, लगता है 28 दिन में, लगता रहता है 90 दिन तक, बहुत धीरे 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 लगता है फास्फोरस। लेकिन मजबूरी क्या है, फास्फोरस ही पौधे में फूल बोल जड़ों का विकास करेगा, उससे आउटपुट देगा, गेहूं की बालियां फास्फोरस बनाएगा, मक्का में दाने फास्फोरस चढ़ाएगा। मतलब हमें DAP तो डालना ही पड़ेगा उत्पादन लेने के लिए, है ना? बट हम कर रहे हैं ऑर्गेनिक खेती। अबकी बार नहीं डाला था बिल्कुल भी सर, फ्लोरिंग नहीं हुई उसके, फ्लोरिंग नहीं हुई क्योंकि मैंने खेत की नीचे की वाटर पॉन्ड बनाया था, नीचे की मिट्टी ऊपर डाली थी, हाँ, तो विदाउट न्यूट्रिशन की थी। हाँ, अभी मैं इस कॉन्सेप्ट को पूरा का पूरा क्लियर करता हूँ कि पौधों को चाहिए फास्फोरस, हम डालेंगे DAP तो जमीन होगी खराब। अभी कॉम्बिनेशन बहुत ऐसा जटिल हो चुका है, इसके लिए हमें इस गुत्थी को समझना बहुत ही आवश्यक है। अगर हम DAP नहीं डालेंगे तो फसलें पैदावार देती नहीं, हम DAP डालेंगे तो ऑर्गेनिक बोलने में हम सक्षम नहीं, फिर झूठ बोलना बंद करो कि मैं ऑर्गेनिक कर रहा हूँ। अगर हम DAP नहीं डालें तो कुछ मित्रों ने बना ली है ऑर्गेनिक DAP। मेरे दादा बोलते थे सापनी को छोड़ा और भूतनी को पकड़ा। तो ऑर्गेनिक DAP डालना हो तो फिर सादी DAP डाल लेना भाई, पैसे तो घर से तो पैसे गए ना। कॉन्सेप्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब क्या है कि हम हमारे खेतों में ऐसा काम करें जो हमारी मिट्टी खराब ना हो, हमारा पानी खराब ना हो, हमारी फसलों से जो अन्न पैदा हो वो केमिकल फ्री हो, ऑर्गेनिक हो, और एंड रिजल्ट में हमारे जेब से पैसा कम जाए। ऑर्गेनिक का मतलब ये होता है, ना कि ये मतलब होता है कि ए खरीदते थे अब बी खरीद कर डाल रहे हैं, फिर कोई और अच्छा डॉक्टर आएगा वो बोलेगा बी खराब है अब सी खरीद कर डालो। तो अल्टीमेट हमारे जेब से जो पैसा जा रहा है ना वो ऑर्गेनिक की गिनती में आएगा नहीं, कम जाए या खुद प्रोडक्टिविटी बढ़ाए। तो ये चीज़ को अगर हम समझ गए, 80% जो लगता है ये जमीन को कड़क करता है बट डालना भी पड़ेगा, तो कैसे, जिससे हमारा जो साल भर का 4 से 6 बोरी ले रहे हैं उसका आधा हो। सिंपल सा एक लॉजिक समझना पड़ेगा कि पौधे का भोजन और हमारा भोजन है क्या। दो तरह के प्राणी हैं, एक है चल एक है अचल। चल प्राणी में कौन आता है? जिसके हाथ पैर नाक मुंह है, एक जगह से दूसरी जगह खसक सकते हैं। और अचल में कौन आता है? पेड़ पौधे जिसकी जड़ें हैं, जो एक ही जगह पर रह सकता है, जो चल फिर नहीं सकता। समझ में आ रहा है? पूरी पृथ्वी में दो ही प्राणी हैं, एक चलने फिरने वाले, आप में कुत्ता बिल्ली नेवला केचवा सांप बिच्छू बैक्टीरिया कीड़ा पतंग तुड़तुड़ा मऊआ, जो एक जगह से दूसरी जगह चल सकते हैं, वो ऑक्सीजन लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। एक है स्थिर प्राणी, पेड़ पौधे कोई से भी, आम जाम नींबू सीताफल मक्का ज्वारी बाजरा
कपास, कोई सा भी पेड़ पौधा जिसको लगाया, जिसकी जड़ें मिट्टी में चली गई और पकड़ कर एक जगह होल्डिंग करके बैठी हुई है, अचल। ये भी श्वास लेते हैं, हम भी श्वास लेते हैं। ये भी पानी पीते हैं, हम भी पानी पीते हैं। ये भी आउटपुट देते हैं, हम भी आउटपुट देते हैं। अभी मैंने दिन भर में श्वास ली, पानी पिया, भोजन किया, तो कुछ ना कुछ मैं मलमूत्र निकालूंगा, वेस्टेज निकालूंगा। गाय ने दिन भर में चारा किया तो गोबर करेगी ही, निश्चित है। केचुआ पालन आप कर रहे हो, उसके सामने कचरा कूटा डालते हो तो पीछे केचुए की विष्ठा मिलती है ना। तो चलने फिरने वाले प्राणी कुछ ना कुछ वेस्टेज देते हैं, ऐसे ही स्थिर प्राणी भी कुछ ना कुछ वेस्टेज देते हैं। जैसे आम का पेड़ है, वो साल भर कुछ ना कुछ खा रहा है, अमियाँ आ गई, फ्लावरिंग आई, अब इसको तोड़ने मत जाओ, क्या होगा इसका, टूट कर नीचे गिर जाएगा। ये गिरेगा तो यहाँ सड़न क्रिया होगी, इसको बैक्टीरिया आकर खाएंगे और मिट्टी बना देंगे। इस पौधे के लिए आम की केरी कुछ काम की है? गेहूं का दाना उस गेहूं के पौधे का कुछ काम का है? चावल का दाना चावल के पौधे का काम का है? उसने उसकी चर्या करी, चावल का दाना बनाया, गिरा दिया, वो उसके लिए वेस्टेज है। ये किसके लिए काम का है? हमारे काम का, हम डायरेक्ट खा सकते हैं ना। गाजर, मूली, टमाटर, बैंगन, खीरा, आम, जाम, नींबू, सीताफल, ये सब हम खा सकते हैं। जो चलने फिरने वाले प्राणी हैं, स्थिर प्राणी का वेस्टेज हमारा भोजन है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है क्या? हमारा वेस्टेज सारा का सारा पौधों का भोजन है। गाय, भैंस, बकरी का गोबर सारा पौधों का भोजन है। हमारा सुमूत्र भी, मेल मूत्र भी डालोगे, वो भी पौधे का भोजन है। केचुए की विष्ठा, वर्मी कंपोस्ट हम बोलते हैं ना, सबसे अच्छा खाद है पौधे के लिए। है क्या? चलने फिरने वाले प्राणी का वेस्टेज। ये दोनों एक दूसरे से लिंकिंग है। अब इसमें मार्केट की बोरी कहीं नहीं है, यूरिया, डीएपी, पोटास नहीं इसमें। इसके अंदर क्या है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, बैक्टीरिया, कार्बन। इसमें यूरिया नहीं, इसमें नाइट्रोजन है। इसमें डीएपी नहीं, इसमें फास्फोरस है। सिंगल सुपर फास्फेट हम मार्केट से खरीदते हैं, उसके अंदर क्या है? P2O5। इसके अंदर क्या है? P+। जो गोबर है उसके अंदर कुछ मात्रा में P+ है, फास्फोरस है। जब ये P2O5 या DAP खेत में जाता है, उसको बैक्टीरिया कन्वर्ट करते हैं तो पौधे को खिलाने लायक बनाते हैं। डायरेक्ट DAP पौधे का भोजन नहीं। तो हमें करना क्या पड़ेगा? अगर हमारे जेब का खर्च कम करना है, कल से हमें खाद ज़्यादा से ज़्यादा पौधों में लगे, तो भट्टी खाद बनाना पड़ेगी। मैंने कॉन्सेप्ट बताया कि हम क्या कर रहे हैं, क्या होना चाहिए। अब खेत में डलना कैसे चाहिए वो बता देता हूँ, तो आपको तुरंत समझ में आएगा कि कल से खाद हम कैसे कम करें। खाद देना बंद नहीं करना है, जेब में हाथ डालना केवल कम करना है। खाद हम ज़्यादा देंगे, पहले जितना दे रहे थे उसका कॉन्सेप्ट एक समझ लो। 100 किलो DAP 46% फास्फोरस आया, इसका 20% लगता है, 80% फिक्स होता है जो लगता नहीं। तो 46 किलो का 20% क्या होगा? 6 × 12, 4 × 8 और 1 9, 9 किलो, 200 ग्राम। मैंने अगर 100 किलो DAP डाला, पहुंचा 46, पौधे ने लिया 9 किलो 200 ग्राम, 2700 रुपये का DAP लगा कितना? 100 किलो में से मोटा मोटा 10 किलो लगा, तो 2700 में 27 रुपये का DAP लगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? जेब में हाथ रखना पड़ेगा कि क्या हम डाल रहे हैं। अब इसको बचाएं कैसे? अभी यही 80% भट्टी खाद बनाओगे तो लगेगा। बनाना कैसे है? प्लास्टिक की नीचे पट्टी बिछाइए, जितना भी हमें खेत में खाद डालना हो उसको पहले खेत के बाहर कंपोस्ट बनाना है। सीधे DAP, सीधे पोटास, सीधे SSP नहीं खेत में डालना है, पहले कंपोस्ट बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? जैसे हम 100 किलो अगर DAP डाल रहे हैं तो उसकी बजाय 50 किलो करना है, सीधा आपका पैसा आधा होता है। हम जो 100 किलो डाल रहे हैं उसमें गया कितना? 9 किलो 200 ग्राम। अभी 50 किलो डालेंगे, इसमें पूरा का पूरा लगेगा, तो कितना प्रतिशत लगेगा वो अभी आप जोड़िएगा। 50 किलो DAP प्लस गुणित 3 तो आया 150 kg। 50 × 3 करोगे तो 150,
तो 150 किलो मिट्टी लेना है या गोबर लेना है या मिट्टी गोबर मिक्स लेना है, तो ये हो जाएगा 200। इसका ढेर बनाना है, इसको मिक्स करना है। 50 डीएपी, 150 किलो मिट्टी, उसी खेत की मिट्टी ले लो, तो 200 किलो बन गया। नीचे प्लास्टिक बिछा कर उसको मिक्स करके रखना है। अब 50 किलो अगर कोई सा खाद है तो 50 ग्राम वाइसेनोमेटा लेना है। 50 किलो खाद में 50 ग्राम वाइसेनोमेटा, 50 ग्राम पोटेशियम हुमेट, 10 ग्राम पोटेशियम फुलवेट, ये आसानी से मिल जाएगा या जो एफपीओ ने बुलाया है इनके पास मिल जाएगा। इनको मैं बतला दूंगा कहाँ से अवेलेबल करेंगे। 50 किलो डीएपी में 50-50 ग्राम, ये बहुत सस्ता आता है, छोटी सी चीज़ें। मुद्दा क्या है, 50 डीएपी के साथ 150 किलो मिट्टी मिला करके मिक्स किया, ये मीडिया डाला, इसमें थोड़ा सा पानी डालना है, नमी करना है। अगर गोबर नहीं है तो थोड़ा सा गोबर डालना है बैक्टीरिया के लिए, 1-2 किलो गोबर। अगर आधी मिट्टी आधा गोबर किया तो भी चलेगा। इसी प्लास्टिक को वापस ढकना है अगले 3 दिन के लिए। चौथे दिन इसको खोलना है शाम को और इसको हल्का सा कुदावली मारकर ढीला करना है ताकि रात भर इसकी हवा निकल जाए। दूसरे दिन सवेरे फिर नमी कर दो थोड़ी सी और फिर ढक दो, फिर 3 दिन के लिए छोड़ दो। तो ये अगले 6-7 दिन के अंदर पूरा नम होकर के डीएपी कन्वर्ट होकर के पूरा बैक्टीरियल खाद बनता है, ये जो हम खेत में डालते हैं और धीरे 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 पौधा लेता है 30-40 दिन में, उसकी बजाय हमने 7 दिन में इसको पका लिया, भट्टी बना दिया। इसकी जब प्लास्टिक हटाएंगे तो नाक दूर रखना है, बहुत गंदी बदबू आती है। जब डीएपी के दाने टूटता है उसमें एसिड निकलता है तो बहुत बुरी बदबू देता है। अब ये आपका पूरा का पूरा ऑर्गेनिक खाद बन गया, ये डीएपी नहीं है। डीएपी हम लाए थे 7 दिन पहले, उसको मिट्टी में डाला, मिट्टी के साथ भट्टी खाद बना, वो फूटा टूटा तो P2O5 के बजाय P+ बन गया, उदाहरण दे रहा हूँ मैं, चेंज हो गया ना उसका फॉर्मेट, चेंज हो गया। अब ये सीधा पौधे को लगने के लायक है और ये लगता है 80%। अभी आपने बनाया एक बोरी डीएपी, 50 किलो डीएपी, उसके अंदर 46% है तो कितना हुआ, 23 किलो, 23 किलो का 80%, कैलकुलेटर है किसी के पास, 23 किलो का 80%, 18 किलो 400 ग्राम है ना। 23 किलो डीएपी मैंने डाला, 18 400 होगा, 80%, 23 का 80% है ना, ठीक है। 1-2 किलो ऊपर नीचे कर लेते हैं, 18 किलो 400 ग्राम जो आया, ये 18 किलो 400 ग्राम हमने यहाँ पर डाला था तो कितना आया था, 9 किलो 200 ग्राम 100 किलो अगर डीएपी डालते हैं तो 9 किलो 200 ग्राम मिलता है। 50 किलो डीएपी डालते हैं भट्टी खाद बना करके तो 18 किलो 400 ग्राम बनता है। अभी आपको डिसीजन लेना है कैसे डीएपी डालना है खेत में। कॉन्सेप्ट समझ में आया ना, भट्टी खाद क्या है। इस तरीके से हम खाद का पूरा पैसा बचा सकते हैं। तो एग्रीकल्चर में हमें एफपीओस के साथ जो पहले चरण में आगे बढ़ना है, किसान जो हमसे जुड़े हैं उनकी दवाई का खर्च कम, ऑर्गेनिक दिशा में जाएं, खाद का खर्च आधा, ऑर्गेनिक दिशा में जाएं, इसको बोलते हैं कि पौधे को खाद मिला। जैसे अभी आपने बोला कि डाला नहीं तो वो आया नहीं, तो हम ज़्यादा डाल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं भट्टी खाद में, कम नहीं डाल रहे हैं, ज़्यादा डाल रहे हैं, बट जो मिट्टी को ख़राब नहीं करे वो डाल रहे हैं। तो एफपीओस की कड़ी में मुख्य चरण में हम पहले चरण में जाएंगे किसानों के साथ में, उनके सस्टेनेबिलिटी पर, उनकी दवाई और खाद का पैसा बचाएंगे, उनके खेतों में जो बीज लग रहे हैं उनको सस्ते दामों पर अवेलेबल कराएंगे और उनकी खेती को सस्टेनेबल कराएंगे, पहला चरण खेती का। फिर वो जो प्रोडक्ट ले रहे हैं उसको वैल्यू एडिशन करेंगे, हम ब्रांडिंग करेंगे इंटरनेशनल मार्केट में और नेशनल मार्केट में, ब्रांडिंग करेंगे कि हमारे इस एफपीओ से जो जुड़े हुए किसान हैं उनके ये ऑथेंटिक पेपर हैं, उनके रजिस्ट्रेशन हैं और उनके खेतों में इस तरह का अनाज पैदा हो रहा है और यह अनाज हम प्रोसेस कर रहे हैं। ये कड़ी ग्राउंड की क्लियर होगी तब आपके एफपीओ के पास कनेक्टिविटी बढ़ेगी और यहाँ से फिर हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके वैल्यू एडिशन की चेन बनेगी। प्रोसेस समझ में आई हम किस तरह से इम्प्रूवमेंट करके आगे जा सकते हैं।
बातें और भी बहुत सारी है। पहले चरण में जो छोटी बातें मुझे भेजना था, यही आपको अपने किसानों तक भेजना पड़ेगा। जो एफपीओ वाले यहाँ बैठे हैं उनको भी अपने किसानों तक यही बातें भेजना पड़ेगी कि हम खेती कैसे करें। तो उनको हम किसान पाठशाला, बी किसान और ओटू के माध्यम से इकट्ठे होकर के एक साथ जुट, एक साथ बढ़ करके इंटरनेशनल मार्केट और नेशनल मार्केट तक भेज सकते हैं। मैक्सिमम मेरी बातें लगभग हो चुकी है, कुछ आपके प्रश्न हो तो बताइए। इसमें हम नाइट्रोजन और कैल्शियम को छोड़ करके कोई सी भी खाद हो भट्टी खाद बना सकते हैं, सॉरी सभी खाद ले सकते हैं नाइट्रोजन और कैल्शियम को छोड़ करके। ये जब हम भट्टी खाद को खेत में डालें उसके 4 घंटे पहले उनको भी डाल देना है, सारा कुछ ले सकते हैं। कैल्शियम की जगह पे चूना यूज कर सकते हैं, आराम से कीजिए, इसी में डाल दो, भट्टी खाद में डाल दो स्टार्टिंग के अंदर। कैल्शियम नाइट्रेट अगर आप ले रहे हो तो उसको भट्टी खाद में मत यूज करो। कैल्शियम नाइट्रेट की तो पोटेशियम ज्यादा हो जाती है ना, हाँ, तो उसकी जगह पर चूना यूज करते हैं, हाँ, या चूना पाउडर यूज करते हैं, तो वो कितना यूज करेंगे? आपकी फसल कौन सी है उसके मुताबिक उसका डिजाइन होगा। और चूना जो ले रहे हो उसमें प्रतिशत कैल्शियम का कितना है, अगर हम जांच करा के ले रहे हैं वो चूना, चूना हम जनरली तोल से ले आते हैं, कुछ होता नहीं ना जांच करा के, और हमारी फसल कौन सी है वो दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। इसकी बजाय आप जिप्सम का यूज करोगे तो एक कदम आगे होगा, जिप्सम खदानों की मिट्टी है, मिल जाएगा, उसमें चूना और सल्फर आता है। आपने अगर आपके खेत का लैब टेस्ट करा रखा है उसका पीएच अगर 7 आता है तो 1 एकड़ में 500, 7 के ऊपर आता है तो 7.5 से 1000 kg जिप्सम डालना है, तो बहुत सस्ता मिलेगा, 10-20 रुपये किलो मिलता है, वो टन में आता है, उसका ट्रांसपोर्ट महंगा है, जिप्सम का रेट बहुत कम है। मार्केट में कौन सा वो मुझे पता नहीं ना, मैं हाँ कैसे बोलूँगा, मैं जो जिप्सम बता रहा हूँ खदानों की मिट्टी एक मार्केट में जो है वो कई सारी, हाँ कैल्शियम सल्फाइड, तो वो आप इंश्योर कर लो कि आया कहाँ से उसके पास। बहुत सारा जिप्सम जो है कई सारी इंडस्ट्रीज है जिसका केमिकल निकलता है, उसको सोखने के लिए जिप्सम के ढेर रखते हैं, उसमें केमिकल छोड़ते हैं और वो जिप्सम बेच रहे हैं किसानों को, तो वो गलत है। उन फैक्ट्रियों का केमिकल लगा हुआ जिप्सम मत लेना, अगर जो मार्केट में मिल रहा है उसको पूछो सोर्स क्या है, वो आया कहाँ से, अगर वो खदान से आया है तो वो ले लो, अगर वो फैक्ट्री से आया है तो उसको अवॉइड कर दो। जिसका 7.5 से 8 pH है उसको 2 टन जिप्सम डालना है 1 एकड़ पे, तो आपको कैल्शियम चूना डालने की जरूरत नहीं, कैल्शियम नाइट्रेट डालने की जरूरत नहीं, ठीक है। मैग्नीज के अल्टरनेट जितने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है ना उन सब का अल्टरनेट है कचरा मल्चिंग और गुड़ गोबर गोमूत्र। कौन सी खेती है? खीरा नेट हाउस में। कितने समय से कर रहे हो? 3 साल से कर रहे हो, तो फसल चक्र कुछ किया है या उसकी मिट्टी अल्टी पल्टी की है? अच्छा, उसमें ड्रिप कितने फीट पे डाला है आपने नेट हाउस में? हाँ बेड बने हुए हैं, बेड कितने फीट पे है? 5 पे 8 पे कितने फीट पे बेड कितने फीट पे है? हाँ, एक बेड से दूसरा बेड कितने फीट पे? 1.5 फीट और एक बेड पे 2 ड्रिप है, तो आपका 1.25 फीट पे एक ड्रिप हुआ ना ओवरऑल एवरेज है, तो 1 एकड़ में आपने कितनी ड्रिप डाली है? 10,000 मीटर कितने मीटर ड्रिप? मैं कॉन्सेप्ट एक एक क्वेश्चन करता हूँ, आप समझ कर मुझे जवाब दीजिए तो मैं कैलकुलेटेड आपको आंसर दे पाऊंगा। बेड से बेड की दूरी 1.5 फीट है, एक बेड पर आपने 2 ड्रिप डाल रखी है, तो लगभग एक ड्रिप से दूसरे ड्रिप की दूरी 1.25 फीट हो गई ना एवरेजन, है ना, एवरेजन 1.25 फीट पे ड्रिप आ गई, तो 1.25 फीट पे ड्रिप आती है तो 1 एकड़ में 10,000 मीटर ड्रिप लगती है। आपके उस 1 एकड़ में कितने मीटर ड्रिप है? इतनी होगी लगभग एवरेजन। ड्रिपर की दूरी कितनी है? 1.5 फीट और 2 लीटर डिस्चार्ज होगा, है ना, तो 10,000 मीटर ड्रिप मतलब 30,000 फीट, 1 मीटर 3.28 फीट होता है, तो 10,000 मीटर ड्रिप मतलब 30,280 फीट ड्रिप आ गई, इतना ही हुआ ना कैलकुलेटर में, वही आएगा। और 1.5 फीट पे ड्रिप डाल रखी है तो
30,000 भागे डेढ़ कर लो, आपको वो निकल के आएगा ड्रिपर, कैलकुलेटर चलाओ, 30,280 भागित 1.5 20,000 आपके ड्रिपर है खेत में जो 2 लीटर डिस्चार्ज देते हैं, अगर आप 1 घंटा बटन दबाओगे तो 40,000 लीटर पानी जाता है। ये कैलकुलेशन बता रहा हूँ आपके निमेटोड को जड़ से भगाने के लिए, पहले उसका कोज समझना पड़ेगा। मैं बैक हैंड पे जा रहा हूँ कि आप जो खेती कर रहे हो वो खेती का तरीका क्या है। आपकी खेती का तरीका ऐसा है कि ड्रिप बहुत ज़्यादा है, ड्रिपर बहुत ज़्यादा है, पानी बहुत ज़्यादा जा रहा है, तो खेती पूरी पच 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 हो रही है। निमेटोड क्यों आया उसका कारण बता रहा हूँ मैं। अगर ऐसे ही इतनी ही ड्रिप से खेती करोगे तो निमेटोड जाएगा नहीं, कोई सी भी दवाई जादू की ला के डाल लो मरेगा नहीं। इलाज क्या करना पड़ेगा आपको, उस जो 1 एकड़ का आपका पॉली हाउस का प्रांगण है, नेट हाउस का प्रांगण है, उसमें ड्रिप की संख्या पहली फुर्सत में कम करना पड़ेगी और 70-30 फार्मिंग का फॉलो करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा ड्रिप डाल चुके हो आप और इतनी ड्रिप से 1 एकड़ में खेती नहीं होती। मैक्सिमम 1 एकड़ में 3,000 मीटर से 4,000 मीटर ही ड्रिप चाहिए। आप इसके 2 टाइम कर चुके हो ना, डबल कर चुके हो ड्रिप उस खेत में लगभग। तो जो पानी गिरने की बूंदों की जगह है वो बहुत ज़्यादा है और ज़मीन आपकी हमेशा कचकच कचकच होती है। दूसरा, जब सेड है तो इसकी जो वाप है वो उड़ करके बाहर नहीं जाती है, वो वहीं के वहीं रिसाइकल होती है। एक यही ड्रिप आप अगर ओपन में डाल करके खेती करोगे तो वहाँ डिसीज़ फंगाई बैक्टीरिया अलग होंगे, और एक सेड में आप खेती कर रहे हो तो वहाँ डिसीज़ फंगाई बैक्टीरिया अलग होंगे। तो सेड में तो आपको बहुत ही मोस्टली ध्यान रखना है कि वहाँ पर क्रैक आना चाहिए। क्रैक आ ही नहीं रहे आपने इतनी ड्रिप में, जहाँ ड्रिप होगी वहाँ क्रैक आएंगे नहीं ना, बहुत ज़्यादा ड्रिप है ना, हर 1.25 फीट पे ड्रिप है। मार्केट में खेत के बाहर जाओगे आप इसके सेड के बाहर तो 5 फीट पे खीरा लगता है, आप 1.25 फीट पे ड्रिप डालकर खीरा लगा रहे हो, कितना बड़ा फर्क है ना, 4 टाइम का फर्क है, लगभग 3 टाइम तो है ही है। किसमें 4,000 स्क्वायर फीट में, स्क्वायर मीटर में, हाँ तो वो 40,000 स्क्वायर फीट हुआ ना 1 एकड़, वही तो मैंने कैलकुलेशन करके बताया कि 10,000 मीटर ड्रिप है, आप बाद में जोड़ रहे हो, वही आंकड़े जोड़ के बताया ना फट 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 कि आपके खेत में कितने मीटर ड्रिप है, वो मैंने बताया ना। तो कैलकुलेशन क्या है, आपको 1 एकड़ 4,000 मीटर में मैक्सिमम ड्रिप 3,000 मीटर डालना चाहिए, 4,000 स्क्वायर मीटर में 3,000 मीटर ड्रिप डालना चाहिए। हम 10,000 मीटर ड्रिप डालकर खेती कर रहे हैं तो पानी वाप भाप बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ बैक्टीरियल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा है। अब आपको इस निमेटेड को जड़ से ख़त्म करना है तो पहले ड्रिप को अवेरो पलटी पलव करो, एक बार सेड को खोलो जो भाप बाहर निकले, उसके बाद तंबाकू डालो, उसके बाद में गेंदा के फूल लगाओ कि 2 बार खेती करो, उसके बाद में निमेटेड का विकल्प मिलेगा, एक जो साइंटिफिक डेटा आपको बताएंगे। दूसरा, कल से विकल्प चाहिए तो 70-30 फार्मिंग करना पड़ेगा। थोड़ा सा फटाफट बतला देता हूँ, निमेटोड सेड हाउस का अच्छा प्रश्न है आपका। जो आप खेती कर रहे हो उसमें जो भी आपने बेड बनाए हैं उनको 4 फीट और 5 फीट पे करो, डेढ़ डेढ़ दो दो फीट ढाई ढाई फीट पे नहीं, 4-5 फीट पे करो। ये बेड, ये बराबर, ये बेड, ये बराबर, ये बेड, ये बराबर, इस तरीके से। अभी भी आपने वैसे ही किया है, 2.5 फीट का ही बेड है और 1.25 पे ड्रिप है, इसको बड़ा कर दो। इसकी और इसकी दूरी 10 फीट होना चाहिए, नाली से नाली की, जो नाली से नाली का सेंटर है 10 फीट, तो ये ऊपर आपका आ जाएगा 6 से 7 फीट। ये जो पोर्शन बनेगा ये 7 फीट का पोर्शन बनेगा, इधर 1.5 फीट छूटेगा, इधर 1.5 फीट छूटेगा, तो ये छूटने वाली जगह 30% है और अंदर की जगह 70% है, इसको बोलते हैं 70-30 फार्मिंग। अभी 70% जगह है पौधों के चलने के लिए है, यहाँ कचरा मल्चिंग करो। ये जो 30% जगह है कभी पानी नहीं देना है, हमेशा है इसको सूखा रहना है, क्रैकिंग आना चाहिए। इस पद्धति से खेती करोगे तो 1 एकड़ में 2750 मीटर ड्रिप आएगी, ये 5-5 फीट पे ड्रिप रहेगी,
यहाँ क्रैकिंग तुरंत आएगी, यहाँ बैक्टीरिया होंगे, यहाँ तंबाकू डस्ट डाल करके आप खेती करना चालू करो, जो भी फसल लगा रहे हो उसके साथ गेंदे के फूल लगा दो, कचरा मल्चिंग कर दो, और यहाँ क्रैकिंग जितनी ज़्यादा आ सके दराड़ें, उतना जल्दी निमेटोड और फंगल वायरल ठीक होगा आपके पोली हाउस से। क्रैकिंग नहीं है तो बढ़ता रहेगा। फिर किताबी ज्ञान के साइंटिस्टों के पास जाएंगे तो शेड खोलना है, पल्टीप्लो करना है, और पूरे इसमें एक दो टन तंबाकू डालना है, एक दो साल कोई खेती नहीं करना है, एयर निकालना है, और जब खेती चालू करो तो गेंदे के फूल लगाना है। ये साइंटिस्टों की भाषा में ऐसा करना है, मेरी भाषा में ऐसा करना है, दोनों में से जो अच्छा लगे वो करना है। ठीक है, थैंक यू।